स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रैम के बारे में और मेमोरी मैपिंग के बारे में कैसे परफॉर्म होती है एट जीरो एट फाइव ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है अब हम चलते हैं लास्ट क्लास में हमने देखा था रोम के बारे में अब हम देखते हैं रैम के बारे में अब हम बात करते हैं रैम क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एनी मेमोरी एड्रेस लोकेशन इज ईजिली एक्सेसिबल एज एनी अदर is used in computers for temporary storage of programs and data the contents of many ram address location will be read from the from and written to as computer executes a program this requires fast read and write cycle times for ram so as not to slow down the computer and operation fast OT. ये और टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करने के काम में होती है वॉलेटाइल होती है और एडवांटेज ये इसका सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक रैम की स्टैटिक रैम का एग्जांपल है स्टैटिक रैम का सेल बना हुआ है यहाँ पे स्टैटिक रैम आर बाई स्टेबल लैचिंग सर्किटरी फॉर सिंगल बिट स्टोरेज ये क्या बीजेटी और मॉस टेक्नोलॉजी यूज़ करती है बी का एडवांटेज हाई स्पीड होता है मॉस का एडवांटेज हाई कैपेसिटी और लो पावर कंजम्पशन होता है और यहाँ पे रैम के बारे में कैन स्टोर डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज़ अप्लाइड टू द चिप जब तक पावर अप्लाई रहती है तब तक डेटा स्टोर रखता है स्टेटिक रैम मेमोरी सेल आर इसेंशियल फ्लिप फ्लॉप दैट विल स्टे इन ए गिव स्टेट आइडेंट डेफिनेटली प्रोवाइड द पावर टू द सर्किट इज़ नॉट एंड इज़ नॉट इंटरप्टिड यहाँ पे पावर जो क्या होती है अन पावर प्रोवाइड होती है ये आपका स्टेटिक के कंट्रोल हैं ओई बार सी एस बार डब्ल्यू ई बार ये डेटा बस होता है इसमें एड्रेस बस होता है सी एस मतलब चिप सेलेक्ट इनेबल चिप ऑपरेशन ओ ई आउटपुट इनेबल परफॉर्म रीड ऑपरेशन डब्लू ई राइट इनेबल परफॉर्म राइट ऑपरेशन यहाँ पे ये अदर पिंस लिखे हुए हैं सिमिलर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है अब डायनामिक रैम की बात करते हैं ये हाई कैपेसिटी होती है लो पावर कमजेंशन होता है मॉडरेट ऑपरेटिंग स्पीड रहती है इसमें डी रे यहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है कैपेसिटर के यूज़ के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है जिससे कि वर्क करता है ये इसकी स्टैटिक रैम से डेंसिटी फोर टाइम्स हाई होती है अब इसका ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है डी डी रैम इज़ यूजली अरेंज इन ए स्क्वायर एर ऑफ वन कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर पर सेल द इलस्ट्रेशन टू द राइट शो एग्जाम्पल विद ओनली फोर बाई फोर सेल यहाँ पे यहाँ पे गिवेन है देखिए ये है आपका फोर बाई फोर सेल का डी रैम जो यहाँ पे लैच वगैरह का यूज़ करके बना हुआ है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं फोर बाई फोर एरे का डी रैम है ये अब डिफरेंस क्या होता है नॉन वायलेट रोम क्या होती है नॉन वायल्टाइल एग्जिस्ट ऑन ऑल कंप्यूटर्स जनरल पर्पस कंप्यूटर फंक्शन ऑन जनरल पर्पज़ कंप्यूटर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम ई टी सी फंक्शन ऑन enable embedded सिस्टम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट monitor प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम random uh, access मेमोरी क्या होती है volatile होती है फंक्शन और जनरल पर्पस कंप्यूटर में मेन मेमोरी की तरह वर्क करता है तो ये इनके डिफरेंस हो गए अब मेमोरी मैपिंग में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फिर फुल एड्रेस डिकोडिंग पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग इम्प्लीमेंटिंग एड्रेस डिकोड और एग्जाम्पल मेमोरी में डिफरेंट पोर्सन ऑफ मेमोरी आर यूज टू डिफरेंट परपजेज़ कौन कौन से पोर्शन होते हैं रैम रोम और इनपुट आउटपुट डिवाइस इवन ऑल द मेमोरी वाज ऑफ वन टाइम वी स्टिल हैव टू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग डिफरेंट और यूनिक एड्रेसिंग हर मेमोरी को डिफरेंट और यूनिक यूनिक एड्रेसिंग में यूज़ किया जाता है दिस मीन्स दैट फॉर ए गिव वैलिड एड्रेस वन एंड ओनली वन मेमोरी मैप्ड कंपोनेंट मस्ट बी एक्सेड एक बार में एक ही मेमोरी मैप एक्सेस किया जाता है और चिप सेलेक्ट का इसमें यूज़ होता है अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं लेटेस्ट अज्यूम ए सिंपल सिस्टम जो इसमें सी पी यू में एट बिट डेटा लाइन्स हैं सिक्सटीन बिट एड्रेस लाइन्स हैं ट्वेल्व किलो बाइट की रोम है फोर किलो बाइट का इनपुट आउटपुट पोर्ट है और सिक्सटीन किलो की रैम है ये का एग्जाम्पल लिया हमने अब इसमें हमको क्या क्या निकालना है वॉट इज़ द एंटायर रेंज ऑफ सिस्टम व्हाट इज़ द एंटायर रेंज ऑफ रोम रैम तो सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे एंटायर सिस्टम की साइज़ क्या है टू टू पावर एन टू टू पावर सिक्सटीन हो जाएगा तो साइज़ हो जाएगा सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स बाइट स्मार्ट एड्रेस ज़ीरो है एंड एड्रेस क्या होगा सिक्स फ़ाइव फ़ाइव थ्री सिक्स माइनस वन तो सिक्स फाइव फ़ाइव थ्री फ़ाइव हो जाएगा तो रेंज कितनी हो गई ज़ीरो से लेके सिक्स फ़ाइव फ़ाइव थ्री फ़ाइव या फिर ज़ीरो से ज़ीरो 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 से लेके कर एक्साट में अगर हम कन्वर्ट कन्वर्ट कर देंगे तो ज़ीरो 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 से ले एफ़ एफ़ एफ एफ तक तो यहाँ पर देखिए लिखिए स्टार्ट एड्रेस ज़ीरो 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 से ले एफ़ एफ़ एफ एफ तक हो गया उसके बाद सेकेंड है रेंज ऑफ़ एड्रेस ऑफ एड्रेस फॉर रोम रोम का रेंज क्या होगा तो रोम का साइज़ क्या है ट्वेल्व तो किलो बाइट ट्वेल्व टू वन जीरो टू फोर बाइट्स हो जाएंगे मतलब थ्री थाउजेंड थ्री ट्रिपल ज़ीरोक्सा डेसीबल में स्टार्टिंग एड्रेस हो गया फोर टाइम्स ज़ीरो एंड एड्रेस हो जाएगा थ्री टाइम्स जीरो थ्री इन थ्री जीरो ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन मतलब टू एफ़ एफ एफ तो रोम का क्या हो गया रेंज ज़ीरो 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 से ले टू एफ़ एफ एफ तक अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट की रेंज तो इनपुट आउटपुट यहाँ पे क्या है फोर किलो बाइट फोर इंटू वन ज़ीरो टू फोर बाइट फोर ज़ीरो नाइन सिक्स बाइट एक्सा में कितना हो गया ये वन जीरो ज़ीरो जीरो अच्छा इसकी रेंज कितनी हो गई स्टार्टिंग एड्रेस कितना हो गया यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस रहेंगे एंड एंड एड्रेस ऑफ रोम जो भी ए, ए, रोम का एंड एड्रेस है मतलब कि टू एफ 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 प्लस वन मतलब थ्री ज़ीरो 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 और एंड एड्रेस क्या हो जाएगा थ्री थ्री ट्रिपल ज़ीरो प्लस थाउजेंड माइनस वन मतलब थ्री एफ 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 हो गया इसका एंड एड्रेस तो यहाँ पे फिगर में शो है उसके बाद रेंज ऑफ रैम तो गिव साइज़ ऑफ रैम सिक्सटीन किलो बाइट सिक्सटीन इंटू वन जीरो टू फोर बाइट वन सिक्स थ्री एट फोर बाइट मतलब एक्साइड एस में फोर ट्रपल ज़ीरो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम क्या हो जाएगा एंड एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट एंड एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट क्या था थ्री एफ 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 प्लस वन और एंड एड्रेस ऑफ रैम कितना हो जाएगा फोर ट्रिपल जीरो प्लस फोर ट्रिपल जीरो माइनस वन मतलब सेवन एफ 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 तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है थैंक यू ऑल